दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करने आया हूँ वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। क्योंकि मैं काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करता हूँ, काफ़ी कॉर्पोरेट्स में विजिट करता हूँ, व्हेन आई इंटरेक्ट विद द पीपल हु आर माय पार्टिसिपेंट्स और द ऑडियंस विच कम टू मी एंड आस्क अ वेरी बेसिक क्वेश्चंस एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम इज सर व्हाट इज कॉन्फिडेंस एंड हाउ कैन वी डिफाइन इट। हम कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट करना चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है जो कि हम लर्न कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना खुद का कॉन्फिडेंस ग्रो कर सकते हैं। ऐसा कहीं पे कोई ऐसी अब तक कोई चीज नहीं बनी जो हम लर्न नहीं कर सकते। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एक्शन के साथ, प्रॉपर इनिशिएटिव के साथ अगर हम करें तो हम लाइफ में हर कोई चीज लर्न कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको कॉन्फिडेंस पे डिटेल में बोलने के बजाय मैं पहले आपको थोड़ा उसका एक बेसिक बोलना चाहता हूँ। जब कोई ऑडियंस या कोई पार्टिसिपेंट मेरे पास आके बोलता है कि सर मेरा कॉन्फिडेंस कम है, तो मैं उसको बोलता हूँ एक्चुअली आपका किस एरिया में कॉन्फिडेंस कम है। से वो बोलते हैं सर पब्लिक स्पीकिंग में मेरा कॉन्फिडेंस कम है, तो मैं उनको पूछता हूँ कॉन्फिडेंस कम है या डर है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दोनों में डिफरेंस है। लोग क्या बोलते हैं, मुझे डर है। अब डर इसलिए है क्योंकि मैंने इसके पहले कभी पार्टिसिपेट नहीं किया इसलिए डर है, या कॉन्फिडेंस कम है इसका और कोई कारण हो सकता है, कुछ हम अपने आप को कम समझते हैं, हमारा परसेप्शन अपने आप के लिए अच्छा नहीं है, शायद ये रीजन हो सकते हैं। तो हमें जानना पड़ेगा, डीप जाके देखना पड़ेगा एक्चुअली कॉन्फिडेंस माने क्या है। कॉन्फिडेंस यानी दोस्तों, हम जब बोलते हैं किसी व्यक्ति की, यार ये बंदे में, ये इंसान में, ये इंडिविजुअल में प्रेजेंटेशन का कॉन्फिडेंस है, करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है, प्रेजेंटेशन का कॉन्फिडेंस है, मीन्स एक्चुअली क्या है, मीन्स उसमें वो बिलीफ है, उसमें वो एटीट्यूड है कि जब वो काम करता है वो तो पूरा फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ करता है, फुल ऑन रिजल्ट्स के साथ करता है। तो कॉन्फिडेंस यानी एक बिलीफ या ऐसा महसूस करना कि जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट वे में कर सकते हैं। अब हम कॉन्फिडेंस को बिल्ड कैसे करें, क्योंकि जब आप कोई नया काम करते हो आपको डर लगेगा, तो शायद आप बोलते हो अंडर कॉन्फिडेंट है, बट आप कॉन्फिडेंस ये इंप्रूव कर सकते हो या आप चेंज कर सकते हो विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ 5 स्टेप दे रहा हूं जिसके थ्रू आप कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट कर सकते हो। पहली स्टेप है टेक एक्शंस। है क्या बोल रहा हूं, टेक एक्शंस, इनफैक्ट टेक मैसिव एक्शंस। मुझे डॉक्टर डेविड स्कॉरवर्ट्स, जो कि बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है, उनका एक कोट याद आ रहा है, एक्शन क्यूर्स फियर। मैं क्या बोल रहा हूं, एक्शन क्यूर्स फियर, यानी जो चीज में आपको डर लगता है अगर आप वो चीज बार बार करोगे तो आपका डर वो डर से डर के भाग जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जो चीज में सबसे ज्यादा डर लगता है आप वो चीज ज्यादा से ज्यादा कीजिए तो आपका डर कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैं इसको ऐसे समझाता हूं, मैं ऑडियंस को, अपने पार्टिसिपेंट को पूछता हूं कि यहां से कितने लोग हैं जो कि एक नए प्लेस पे आप जाते हो तो आप कैसे पहुंचते हो। से फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप, जी हाँ आप जो देख रहे हैं वो हैदराबाद नहीं गए हैं और आप फर्स्ट टाइम हैदराबाद जाते हैं। आप जैसी ट्रेन से उतरते हैं या जैसी आप अपने कोच से उतरते हैं, सिंस यू आर द न्यू इन दैट पर्टिकुलर सिटी, न्यू फॉर दैट स्टेशन, न्यू दैट फॉर प्लेटफॉर्म, तो जब आप उतरते हो तो आप बाहर कैसे जाते हो, एग्जिट कैसे होते हो। मैं आपको बोलूं आप क्या करोगे, अपने आजू बाजू वालों को पूछेंगे कि भैया यहां से एग्जिट का रास्ता कहां पे। आप किसी से पूछोगे या हॉकर से पूछोगे या टीसी से पूछोगे, या कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं नीचे उतर के देखते हैं एक्चुअली क्राउड जा कहां रहा है, और जहां जा रहा है उसके पीछे वो चले जाते हैं। जब आप नए होते हो तो आपको स्टेशन से बाहर आने के लिए, प्लेटफॉर्म से बाहर आने के लिए 10 से 15 मिनट अगर लगते हैं मान लो, तो मेरा प्रश्न है जब आप अगली बार हैदराबाद जाओगे तो आपको कितना समय लगेगा स्टेशन से बाहर आने के लिए। तो आप बोलोगे सर 10 से ज्यादा या कम, तो आपका आंसर होगा, आप सोच रहे होंगे सर ऑब्वियस है, मैं इसके पहले गया हूं, मुझे वहां का पता है कहां उतरना है, किस तरीके से बाहर जाना है आपको पता है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप हैदराबाद जाओगे तो दोस्तों डेफिनेटली आपको 10 से कम मिनट लगेंगे। अब मैं बोलता हूं जब आप तीसरी बार जाओगे तब आप और शायद कम लगेंगे, चौथी पांचवी बार जब आप जाओगे तो शायद आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बीच में से शॉर्टकट निकाल लेंगे, यार यहां से जाने का रास्ता क्या है या बाहर निकलने का सबसे इजिएस्ट वे क्या है। अब वो इंसान जो कि कभी पहले हैदराबाद नहीं गया था वो मास्टर बन गया है, विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो स्टेशन के बाहर आ जाएगा। अब कोई, मान लीजिए कोई अगर आपसे पूछता है कि यार मैं हैदराबाद जा रहा हूं पहली बार जा रहा हूं, तो मुझे बताएगा, आप उसको कितना भी समझाएंगे उसको कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब वो खुद होके नहीं जाएगा।
मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ दोस्तों, कोई भी चीज फर्स्ट टाइम में हमें डर लगना स्वाभाविक है। अगर डर लग रहा है तो मैं बोल रहा हूँ बधाई, आप इंसान है। अगर डर लग रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ह्यूमन बींग। और ह्यूमन बींग को डर लगता है, डर लगता है, उसको लगने दीजिए, लेकिन उसको मैनेज कीजिए। डर को प्रॉब्लम करके मत देखिए, उसको चैलेंज करके देखिए। उसको फेस करना है, हमें आगे बढ़ना है। मैं जब फर्स्ट टाइम जब हैदराबाद गया तो भैया मुझे भी कंफ्यूजन हुआ, मुझे भी डर हुआ, लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने पूछा, मैं बाहर आया, मैंने देखा, मैंने समझा, मैंने अनुभव लिया, और मैंने कोशिश की दूसरों से पूछ समझ के कि हाँ, अगर मैं बार बार एक्शन लेता हूं तो मेरा जो डर है वो कम होता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की सबसे पहली स्टेप है टेक मैसिव एक्शंस। जितने ज्यादा आप एक्शंस लोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बूस्ट अप होगा, राइट? यहाँ पे स्टेप नंबर वन मैसिव एक्शंस के बाद जो मैं दूसरी स्टेप बोल रहा हूं, ये आप मेरे आगे कुछ वीडियो में भी देखोगे या आपने पुराने वीडियो में भी मुझे देखा होगा, मैंने इस चीज पे बात करी है। दूसरी स्टेप है हैव अ बोल्ड बॉडी लैंग्वेज। मैं क्या बोल रहा हूँ, हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज। ये जो है बॉडी लैंग्वेज जो है, इसके थ्रू आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सकते हो। आप बोलोगे कैसे, उदाहरण के लिए हमने कभी, अगर आपने कभी बॉक्सिंग या मूवी में कभी बॉक्सर को देखा होगा, जब वो रिंग में जाता है तो वो ऐसे करके नहीं जाता है। वो कैसे जाता है, वो जब रिंग में जाता है तो ऐसे ऐसे करके जाते हैं। आपने कभी सोचा है दोस्तों वो ऐसे ऐसे क्यों करता है? वो क्या करता है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने कोशिश करता है ताकि उसके बॉडी में करंट फ्लो हो और वो जब सामने कोई अपोनेंट आए तो वो एग्रेसिव रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, वो अपनी फिजियोलॉजी चेंज कर रहा है ताकि साइकोलॉजी चेंज हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपनी फिजियोलॉजी चेंज कर रहा है ताकि साइकोलॉजी चेंज हो, और यही उसको यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। यहाँ पे क्या होता है, वो बॉडी लैंग्वेज चेंज करता है, अपना थॉट प्रोसेस चेंज, वो महसूस करना चेंज होता है। जैसे ही महसूस चेंज होता है यहाँ पे एक्शन चेंज हो जाते हैं, और यही चीज आपको कॉन्फिडेंस आगे बढ़ाने के लिए मदद करती है। स्टेप नंबर थ्री है पावर ड्रेसिंग। पावर ड्रेसिंग का मतलब है दोस्तों, मैं इसके पहले कुछ बताऊं इसके बारे में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दिवाली में, हम फेस्टिवल्स में क्यों नए कपड़े पहनते हैं? हम दिवाली में क्यों नए कपड़े पहनते हैं? हम ईद में क्यों नए कपड़े पहनते हैं? तो इस पे मैक्सिमम लोग कहते हैं सर उस दिन खास दिन रहता है। मैं बोला खास दिन रहता है यानी क्या रहता है? तो फिर लोग बोलते हैं सर उस दिन खास दिन रहता है, हम अपने आप को स्पेशल महसूस कराना चाहते हैं। दोस्तों कभी आपने ध्यान से देखा होगा या कभी महसूस किया होगा, जब आप नए कपड़े पहनते हो, जब आप नए कपड़े पहनते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, तो आपके अंदर एक अजीब सा एक फीलिंग आप क्रिएट होता है। और जब आप कभी जाते हो, मान लो आपने नए कपड़े पहने, आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग, आपके कुलीग ऑफिस के पूछते हैं अरे क्या बात है आज कुछ खास है। वो क्या बोलते हैं, अरे क्या बात है आज कुछ खास है। हम बोलते हैं हाँ यार इसको कैसे पता चला कि आज मैं ये नया शूज पहन के हूँ, नए कपड़े पहन के हूँ? क्योंकि दोस्तों जैसा आपने नया किया है वैसा आपने महसूस किया है। दोस्तों ये भी एक जरिया है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का। अगर आप प्रॉपरली ड्रेस करते हो, प्रॉपरली अटायर में रहते हो, तो आप अपने आप को अच्छा महसूस करोगे, और आप जब अच्छा महसूस करते हो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। दिस इज स्टेप थ्री। स्टेप फोर मैं ऐसा बोलूंगा दोस्तों, मुझे याद है कि जब भी मैं छोटा था, मुझे याद है कि जब मैं मंदिर जाता था, मुझे मेरे पापा मंदिर लेके जाते थे, तो हम वहां पे हम पुजारी जी के पास बैठते थे और पुजारी जी हमें ओम का जाप कराते थे, है ना कुछ एक हम बोलते ना, हम जैसे ध्यान करने के पहले हम जाप करते थे, हम बड़े जोर जोर से करते थे। और मैंने ऑब्जर्व किया, मैं जब भी वो जाप करके उठता था या जब भी वो मंत्र बोल के उठता था, मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता था। इनफैक्ट आपने भी महसूस किया होगा, जब आप आरती करके उठते हो गणेश जी के टाइम पे, या कभी पूजा करके उठते हो, जब जोर जोर से मंत्र बोलते हो आप अच्छा महसूस करते हो। दोस्तों फोर्थ स्टेप यही है, स्पीक लिटिल बिट इन अ हायर वॉल्यूम। आपको अगर कॉन्फिडेंट महसूस करना है, थोड़ा सा आवाज बढ़ा के बोले, यू विल फील गुड अबाउट यूर सेल्फ। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस। सो मैंने अब तक चार स्टेप बता दी। दोस्तों पांचवी स्टेप है, आखिरी स्टेप है, गिव ब्रेन टॉनिक। टेक ब्रेन टॉनिक, डेट विल हेल्प यू टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। हम सोच की बात कर रहे हैं, हम महसूस कैसे उसकी बात कर रहे हैं। दोस्तों हमारी सोच कब बढ़ती है, हमारी सोच कब बढ़ती है, हम कब अच्छा महसूस करते हैं? जब हम अपने अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को नया टॉनिक देते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? आपने बोला होगा सर हम तो वो टॉनिक लेते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा है, हम विटामिन्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, बट ब्रेन के बारे में किसी ने बताया नहीं। ब्रेन के लिए टॉनिक का बेस्ट जरिया है, जितना हो सके दोस्तों पढ़िए।
आजकल टाइम ऐसा है कि यू कैन रीड ऑन सोशल मीडिया, आप कनेक्टेड रह सकते हो, ब्लॉग से पढ़ सकते हो, प्रोफेशनल लोगों से पढ़ सकते हो, उनके ब्लॉग आर्टिकल पढ़ सकते हो। जब जब आप अपने दिमाग को नई खुराक देते हो, उसको अच्छा लगता है कि वो ग्रो हुआ है, तो अच्छा महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है तो कॉन्फिडेंट महसूस होता है। तो दोस्तों यही 5 चीजें हैं जिसके थ्रू आप इजीली कॉन्फिडेंस अपना बूस्टअप कर सकते हो, है ना। मैं ये वीडियो एंड करना चाहूंगा एक एग्जांपल के साथ। दोस्तों जब हम कोई लड़का कोई लड़की के लिए हाथ मांगने जाता है, प्रपोज करने जाता है या शादी के लिए हाथ मांगने जाता है, तो ऐसा नहीं बोलता है कि मुझे 25 शादियों का एक्सपीरियंस है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, 26वीं शादी तू मुझसे करेगी क्या, कोई ऐसा नहीं बोलता है। वो हर बार पहली बार जब जाता है तो पहली बार ही प्रपोज करता है और पहली बार ही शादी होती है। ये जो चीज है दोस्तों, मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि हर नया काम जो है, नया टास्क है, पहली बार होता है। अगर हम वो टास्क से सीख लेते हैं, हम आगे जाके उसमें मास्टर बनते जाते हैं, और यही एक की है कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए। अगर आपको जो भी चीज में डर लगता है उसको करना शुरू कीजिए, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर बिल्डिंग अ कॉन्फिडेंस। दोस्तों आप ये वीडियो देखने के बाद क्या एक्शन स्टेप लेंगे या आप क्या करना चाहोगे, आप कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट पढ़ने में मुझे बड़ा मजा आता है, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। आप कमेंट कीजिए, हम इंटरेक्ट करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना मेरा काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मुझसे जुड़े रहिए। और दोस्तों ये उन लोगों से वीडियो शेयर कीजिए जिनको इसकी वाकई में जरूरत है। फिर से हम नए कोई टॉपिक से, नए कोई एरिया में बात करने के लिए फिर से मिलेंगे।